The chief of MQM, Alpaf Hussain, has once again accused the Pakistan Army of supporting the feudal system and landlords involved in looting and plundering the country. Alpaf was speaking to journalists over the telephone from his London office. The MQM chief blamed the military for supporting the feudal system and giving them power to escape accountability. He said that corrupt feudals holding seats in the parliament do not like the MQM because it represents the lower classes. He said that he himself is willing to risk his life for a revolution in the country. He appeals to Baloch leaders also to stop killing of settlers involved in the development of Balochistan province. एमकेएम जो सरबराह अल्ताफ हुसैन चवा तो जैकडेन संदेश मरण से इनकलाब अचे तो वह कुर्बानी देने लाय तैयार है। कराची में साफिन के मान में डिनल वांझान देखे लंदन में टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चो तो जनरल धरती जो कर्ज लहन बदरा उन बार बणजी वाया जनरल सरमाएदारा ने जागीरदारों से छा कर छो है। उन्होंने चो तो एस्टेब्लिशमेंट वावेला कर मान जो जहन एमकेएम खिलाफ कर अल्ताफ हुसैन के चवण हो तो एमकेएम ईमानदार मुनजिम मान की पार्टी है। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि मुत्तहदा के अरकीन पार्लियामेंट नताइज की परवाह किए बगैर सलमान तासीर के लिए फातिहा ख्वानी करें। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने 90 पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी जर्नैल वतन का कर्ज उतारने के बजाय मुल्क पर बोझ बन गए हैं। आज मुल्क को ईमानदार लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एमकेएम के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने गलत प्रोपेगेंडा किया। एमकेएम पर बोरीबंद लाशों का इल्जाम लगाया गया जो बेबुनियाद है। अगर ऐसा होता तो एमकेएम पर बोरीबंद लाशों का इल्जाम लगाने वालों की बोरियां भी तैयार हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर एमकेएम के कारकुनों ने इजाजत दी तो कल की फ्लाइट से पाकिस्तान आ सकता हूं। अगर मेरी मौत से इंकलाब आता है तो ये मेरे लिए बाइस से फख्र होगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सबसे पहला खुदकुश हमला उन पर हुआ। आपको लिए चलेंगे एमकेएम के मरकज 90 पे जहाँ पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साफियों से बातचीत कर रहे हैं। देती रही है और इस
स्कूल लेके जाना, स्कूल से लेके आना, इसी तरह शरत का
अलेप्पो या पूछगछ से मावरा रहा। अल्ताफ भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं मोहम्मद हुसैन मलिक लाहौर से। वालेकुम सलाम। मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये कल के जलसे से एक ऐसी नई लहर पैदा हो गई है कि ये आप चारों कौमों को जो मिलाने का एक जज्बा आपने शुरू किया है, इसको जारी और सारी रखें और इसके प्रोग्राम बढ़ाएं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों ने रात को अपने अपने घरों में, अपने अपने सूबों में जो तारीफें की हैं आपकी और आपका पैगाम पहुंचाया है, वो शायद ये मीडिया वाली प्रेस भी नहीं पहुंचा सकती। मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, सारा काम मैं करूं। सर आप तो पहुंचा ही रहे हैं। देखिए, आपने जब ये शुरू किया था तो हम सबसे पहले, मैं आपको याद दिलाता चलूं, 90 में हम लोग ही लाहौर ले गए थे, वहाँ आपका जलसा किया था गुलिस्तान फातिमा में, मियां नवाज शरीफ यहाँ से ले गए थे आपको पीपल्स पार्टी से, आपको अकद छुड़वा के। लिहाजा मैं आपसे ये इतनी गुजारिश करूंगा कि आप 20 साल बाद भी आप वहाँ, पंजाब आपका इंतजार कर रहा है वहाँ, अब आप लेट हो रहे हैं, प्लीज वहाँ पहुंचिए। यहाँ जो आपकी ताकतें 54 बरस लगे आपको उनसे पीछे छुड़ाने में, दूसरी से 73 बरस लगे, यहाँ दो जमातें ऐसी थी कि अब आपने अपने काम से लोगों को ये बावर करा दिया, तीसरी नस्ल आ गई है जो मानती है कि हाँ जी। मैंने कल छोटे छोटे बच्चों को, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को आपके परचम उठा कर देखा और अपने माथे पे, पेशानियों पे एनकेएम लिखा हुआ देखा। तो प्लीज आप आए, आप देर न करें, पंजाब के लिए पंजाब ही ये फैसला करेगा। और ये जो बात कि आप फौज के मामले में मेहरबानी किया करें, फौज तो ये वही है जहाँ इन्होंने हथियार फेंके थे, वही लोग थे ना वहाँ, इनको अपने डिसीजन खुद करने दें। आप आए, आपके फैसले वोटर करेंगे, वो आम उस वक्त तबके के हैं, गरीब लोग हैं, हमेशा पोलिंग स्टेशन पर भी वही जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, ये तो उस दिन जाते नहीं, ये तो घर ताश खेल रहे होते हैं। आपको वोट फिर वही लोग देंगे, उन्हीं तक पैगाम अपना पहुंचाएं प्लीज। भाई मलिक भाई,
नहीं तो मोरगंडी खिलाफ खिलाफ से अलीम हासिल करके पलंग उठा के आज भी अपनी जानों को हथेली पे रखकर खतरनाक से खतरनाक इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग कर रही है। मालिकान तो नहीं जाते, सॉरी आप लोग जाते हैं। आपके कलम में बड़ी ताकत है, मेरा कहने का मकसद पता नहीं क्यों गलत ले लिया जाता है। माजरत चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा। अल्ताफ भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से मुनव्वर भट्ट वक्त न्यूज से मेरा ताल्लुक है। ये जो अभी आपने बात की है आपकी दिल की बात लगती है और यहाँ पे मुझे भी लगा कि मुझे अपने दिल की बात कर देनी चाहिए। आपने कहा कि पंजाब के गरीब आवाम के साथ है और आप उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पंजाब में जो परसेप्शन एक बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए आपकी टीम को वहां पे भी काम करना है। लाहौर में जो टीम बनी हुई है वो अपने लेवल पे हमारे साथ काम करती है, लेकिन जो चीजें कराची से मुतालिक होती है वो हमें नहीं पहुंचती। और जब कभी हम भूले चुके रब्ता कर ले 90 पे तो हमें वो रिस्पांस नहीं मिलता जो कि कराची बेस्ड चैनल्स हैं उनको मिलता है। तो इस मामले पे भी तवज्जो करें कि भी जो लाहौर बेस्ड चैनल है, जो पंजाब बेस्ड चैनल है, जो चाहे आपके लिए छोटे चैनल लेकिन उनकी एक व्यूअरशिप है, उनका एक हल्का ऐसा है जो उनको ही देखता है, उन्हीं को सुनता है, तो इस तरह का कोई इंतजाम कर दे कि जिस तरह के कराची के बेस चैनल को आप अकोमोडेट करते हैं वहां पे लाहौर के लोगों को भी अकोमोडेट करें ताकि आपकी आवाज और आपका पैगाम सही तरीके से पंजाब के आवाम तक भी पहुंच सके। इसमें मुझे तो थोड़ा सा खला लगा, इसलिए बात कर दी कि भी आपने पंजाब के आवाम की बात की थी तो मैंने सोचा मैं भी अपने दिल की बात करूं। अल्ताफ भाई मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, नजम वली खान मेरा नाम है, सिटी 42 लाहौर का चैनल है, मैं उसके जो प्रोग्राम प्राइम टाइम शो है करंट अफेयर्स का न्यूज नाइट उसका एंकर भी हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ। भाई सबसे पहले तो कल का जो जलसा है और जलसे से आगे बढ़ के कल जिस तरह पहली मर्तबा मैं 15-16 साल से 18 साल से तकरीबन जर्नलिज्म में हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को कवर कर रहा हूँ, पहली मर्तबा जिस तरह मैंने 90 का विजिट किया जहां पर हैदराबाद साहब ने अपना मीडिया सेंटर दिखाया, उसके अलावा आपके घर का विजिट किया, यकीन करें हम पंजाब में जो बैठे हुए हैं मेरी नस्ल मेरे साथ की तमाम नस्ल हमें जो मैं बहुत ही माजरत के साथ कहूंगा हमें मुस्लिम लीग नून, हमें पीपल्स पार्टी, हमें जमात इस्लामी, हमें वहां पर मौजूद इमरान खान की तहरीक इंसाफ, हमें तो हमेशा यही पैगाम देती रही कि अगर एमक्यूएम की तरफ देखोगे भी तो यहाँ पर भी कराची जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। हमें तो यही कहा जाता है, यही एक तस्वीर दी जाती है कि वो तो कब्जा ग्रुप है, वो तो मार डालेंगे, वो तो तबाह कर देंगे और उनका तो बहुत ही जालमाना निजाम है। यहाँ आकर पहली मर्तबा मैंने देखा कि सूरत हाल उस तरह की नहीं है। ये परसेप्शन मैं अपने बयान नहीं कर रहा, अपने जर्नलिस्ट दोस्तों की बयान कर रहा हूं। मैं 2 साल पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, उन तमाम पंजाब के जर्नलिस्टों की सहाफियों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। जब हमारे दिलों में ये पैगाम है तो पंजाब के अवाम के लोगों के जहन में क्या पैगाम होगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए आपको जो पंजाब जो कि पाकिस्तान का 62% है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, आपको पहली तरजीह बनाना होगी कि आप अपने परसेप्शन को वहां पर दुरुस्त करें। और जो मैनेजमेंट जो तंजीम जिस तरह लोगों की खिदमत खल्क के फाउंडेशन के जरिए काम, वो तमाम चीजें वहां पर लेकर जल्द बहुत मेहरबानी आपकी। Revolution.
न जाने किन किन गंदे नामों से पुकारा गया और उनकी तहरीकों को इंतहाई खौफनाक अंदाज में अवाम के सामने पेश किया गया। तो मेरे भाई, ये एक अजल से हक और बातिल के जो जंग है उसमें ये खेल खेला जाता रहा है। माजरत के साथ बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नवासे रसूल अहले बैत और यजीद में और यजीदी अफवाज में जो मजालिम अहले बैत हुजूर के खून, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, औरत हो, जवान हो, हुजूर के खून पर जैसी यजीद और यजीदी फौज ने मजालिम किए, आज भी लोग बात करने वाले कहते हैं कि ये इख्तदार की जंग थी, ये कोई हको बातिल की जंग नहीं थी। आज भी कहने वाले कहते हैं नाउज़ बिल्ला के यजीद हक था। भाई, इसका क्या इलाज है? अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आंखें दी है, सोचने की सलाहियत दी है, ये आप पर मुनसिर है कि आप ये आंखों से देखें, कानों से सुने और अपने जहन से खुद फैसला करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। भाई जुल्फकार राहत फ्रॉम लाहौर, मैं सबसे पहले तो इन हालात में जब कोई शख्स अपनी जात से उठ के बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई पार्टी, कोई लीडरशिप कौमी यकजहती की बात नहीं कर रही, इन हालात में एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने और एक कौमी यकजहती की बात करने, कौम और मुल्क की बात करने, और इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये मौजूदा हालात में एक ताजा हवा का एक झोंका है। जब पाकिस्तानी सियासत में नफसा नफसी की बात हो रही है, कोई इस मुल्क और 17 करोड़ अवाम की बात नहीं कर रहा और अपनी जात से उठ के कोई नहीं सोच रहा, तो इन हालात में आपने एक ऐसी डायरेक्शन दी है इस कौम को, बाकी तमाम पार्टीज को भी इसको फॉलो करना चाहिए। जहां तक यहां बात हुई कि पंजाब के अंदर शिद्दत से कौम आपका इंतजार कर रही है, मैं इसको सेकंड करता हूं कि जो फिक्र और फलसफा आपने दिया है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, ये तमाम लीडरशिप को अगर हम गौर से देखें, तमाम पार्टीज का हम गहरी नजर से मुतालिया करें, तो ये प्रोडक्ट हमें किसी के पास नजर नहीं आती। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसकी मुनासिब मार्केटिंग करने की जरूरत है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिसिप्लिन और ये बेजाते खुद ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तब्दीली के लिए एक पहली सीढ़ी हुआ करती हैं। और जब आप इंकलाब की बात करते हैं, तो कल का इवेंट और इससे पहले जो आपके इवेंट देखे,
उनको देखने के बाद इस बात का यकीन होता है कि जब आप इतनी बड़ी बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर इंकलाब लाने की बात करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी सिर्फ आपके पास है, एक डिसिप्लिन और इतनी बड़ी एक कारकुनों की, कमिटेड कारकुनों की फौज, शायद ये किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। और मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि पंजाब के अंदर बहुत जरूरत है इस बात की, इस हवाले से काम करने की, वहां पे शिद्दत के साथ वाकई इस सोच का, इस फिक्र और फलसफे का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे कारकुनों की तरह, जिस तरह हमने मिनिस्टर्स को और एमपीएस को काम करते हुए देखा पंजाब के कल्चर के अंदर, तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो अगर इस सोच को, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से वहां पे लॉन्च किया जाए, पंजाब के कल्चर को पहले स्टडी किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हैरानकुन हद तक पंजाब से रिस्पांस मिल सकता है। अल्ताफ भाई अस्सलाम वालेकुम, निसार हुसैन बोल रहा हूँ, अपना टीवी से मेरा ताल्लुक है और एक टॉक शो भी करता हूँ। मुझे आपसे ये कहना है, एक तो कल के जलसे में मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती के लिए ये जलसा जो है लोगों के अंदर नफरतें और कदूरतें कम करने में मामला हेलो 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 एक मिनट पहले मैं जुल्फिकार राहत साहब ने जिन ख्याल का इजहार किया उसको लफ्ज कहना चाहता हूँ। मेरे भाई, आपको पता है पंजाब में एनक्यूएम के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया गया है? आफियों की अक्सरियत, वारात की अक्सरियत, उनके मालिकान की अक्सरियत, अब इसको आप नेगेटिव अंदाज में लेना चाहें तो नेगेटिव अंदाज में ले लें, पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहें पॉजिटिव अंदाज में ले लें। तो उसका ताल्लुक पंजाब से, और उन्होंने क्यूएम के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इतना मनफी घनावना प्रोपेगेंडा किया कि आम आधा लौ पंजाबी मर्द, औरत, स्टूडेंट, जवान, बच्चे, हत्ता के बच्चे तक एम क्यू एम वाले हैं। ओ मेरे दुश्मन, ये बोरी में बंद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या, और जो 32-33 सालों से बोरी में बंद करने का इल्जाम एम क्यू एम पे लगा रहे हैं 35 साल से, आप जरा गौर फरमाइए कि मुख्तलिफ स्पाइस की बोरियां एम क्यू एम ने बकौल उनके बना ली, लेकिन वो 32 साल से एम क्यू एम को गालियां दे रहे हैं उनकी साइज की एम क्यू एम क्या बोरियां नहीं बना सकते थी? अल्ताफ भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत मसूद है, मैं लाहौर से हाजिर हुआ हूँ। गोज विदाउट सेइंग के वी आर ऑनर्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी जो हमें दी गई यहाँ पे, और हम आपके जलसे पे बहुत खुश हुए हैं। आपने कौमी यकजहती के लिए बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। पेशा वराना तौर पे हम सहाफी जो है वो हमारा ये फर्ज है कि हम सियासी क्यादत तक वो बातें पहुँचाएं जो सवालात उठते हैं।
पंजाब के हवाले से और दो बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आपका रद्द अमल आपकी जुबान मुबारक से आ जाए ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को पहुंच जाए। एक तो मैंने बात की है हैदराबाद सिद्धवी भाई से और सैफ भाई से और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से मुतमिन किया, बट आई वुड लाइक कि आपके जुबान मुबारक से भी ये बात आए जो सेनेट में वाकया हुआ है। MQM इज द गवर्नमेंट इन वेटिंग, 25 नशस्तें इसके पास है। हमारी ख्वाहिश है कि आवाम वोट दें और इसके पास 225 नशस्तें हों। ये आइन के दायरे में रहते हुए काम करने वाली जमात है, कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दैट इंसिडेंट जो सलमान तासीर की फातिहा पे हुआ है उससे पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद हलकों में अच्छा मैसेज नहीं गया। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें अपने भाइयों से ये बात करनी चाहिए पंजाब के हवाले से, जो एक स्टेटमेंट जिसे मैं समझता हूं कि कदर गैर मुहतात गई है, वो ये कहा गया है कि लाहौर में या पंजाब में हर घर में मुजरा होता है। पर्सनली तो मुझे तो मुजरे पे इतराज नहीं है, लेकिन इसका जो मैसेज गया है वो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। हम चाहेंगे कि हर दो वाकयात पे आप अपनी जुबान मुबारक से अपना रद्द अमल फरमा दीजिए। नंबर एक, एक जब ये बात आई सेनेट की राबता कमेटी में, अब्दुल खालिक दीद ज़ादा साहब को तलब किया और उनसे पूछा कि आपने जब ये बात आई फातिहा की तो आपने फातिहा क्यों नहीं दी। उनका जो जवाब था मन्नो अन, आपके सामने कहता हूं कि मैं वजू से नहीं था। उनको अलग की गई, अब सेशन में जब आप जाए वो वजू के साथ जाए और फातिहा यानी आप करें नताइज की परवाह किए बगैर। पहले सवाल का जवाब तो यह है। दूसरा जवाब जो है वो ये कि मैं साथियों को ये भी तरबियत देता हूं कि बोलते वक्त इस बात का ख्याल खुसूसी तौर पर रखा करें कि आप क्या कहने जा रहे हैं, ताकि स्लिप ऑफ टंग अगर एक दफा हो जाए तो उसका मदावा करने में बहुत दिन महीने साल लग जाए। दादा भाई सबसे पहले आपका सलाम हो। कहने का मकसद जो था वो ये था कि ये जो बढ़ बढ़ के असेंबली में MQM पर इल्जाम लगा रहे हैं और बड़े नेकोकार बन रहे हैं, इनके यहां मुजरा होता है। गलती से स्लिप ऑफ टंग से हर घर में मुजरा होता है। इस पर सख्त बात पुरस्त की गई और पार्टी ने उन्हें हुक्म दिया कि अवामी माफी मांगे और उन्होंने माफी अवामी तौर पे मांगी। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आज वो पार्टी में नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अल्ताफ भाई, निसार हुसैन बोल रहा हूँ। एक तो कल के जलसे पे आपको समझते हैं कि आपकी क्यादत में, आपके वीएन में वो जो पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाएगा उससे नफरतें और कदूरतें कम होगी। इसके लिए आपकी काशें और आपका वीएन है। और दूसरी बात जो हमने नोट की वो ये देखा कि तमाम अरकान असेंबली बिल्कुल कारकुनों की तरह शाना बशाना काम करते नजर आए और ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो कोई पार्लियामेंट का रुकन है। ये कल्चर है मिडिल क्लास को जो आपने दिए हैं, ये फिलॉसफी है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। जैसे कि मेरे फादर दोस्तों ने पहले भी कहा कि आप पंजाब में कब आ रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी पूरे पाकिस्तान के लिए, कब आ रहे हैं। और दूसरी बात जो लोग महसूस करते हैं वो ये समझते हैं कि आपका पाकिस्तान में जल्द आना भी जरूरी है ताकि आप अगर कौमी दायरे की जमात है और कौमी दायरे में शामिल होंगे और लोगों के जहनों को बदलेंगे, सोचों को और फिक्रों को बदलेंगे, तो आपको भी लोग अपने अंदर देखना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो प्रिसेप्शन की बात की गई है, ये प्रिसेप्शन कैसे बना, इसको कैसे आपने खत्म करना है। और जैसे कि ये एक जो जलसा कल का था ये उसमें मुआवनत तो जरूर करेगा लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस किस्म का इनकलाब हम आवाम देख रहे हैं और कब ये इनकलाब की नवीद जो है लोगों के सामने आ रही है और कब आप पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? अल्ताफ भाई, सबसे पहले आपको सलाम। इम्तियाज मीर, आवाज टीवी कराची से। मैं आपको मुबारक देता हूँ इतने बड़े कौमी व्यक्तियत के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किया। इसमें एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट थी, उसमें ये था कि इनकलाब की बात की गई थी। उस इनकलाब ने आपने मिसपरसेप्शन खत्म कर दी जिसमें ये कहा गया कि ये कौन सा इनकलाब होगा, खूनी इनकलाब होगा। लेकिन आपने जो बात की कि ये वोट की ताकत से इनकलाब आएगा, इस में बड़ी मदद, इसमें मदद मिली है मिसपरसेप्शन खत्म करने कि ये वोट कब आएगा। साथियों से कहता हूँ माइक सिस्टम को ठीक कीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्ताफ भाई, मैं दिन न्यूज टेलीविजन चैनल में लाहौर से एंकर पर्सन हूँ। एजाज जट मेरा नाम है, पंजाब का बेटा हूँ। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम बहादुर लोगों की कदर करते हैं और यकीनन जो लोग बहादुरों की कदर करते हैं वो खुद कतई तौर पर बुजदिल नहीं होते। आपने कल जो सपना दिखाया, आपने कल जो वादे किए, मुझे इस बात का यकीन है कि बहादुर कभी झूठे वादे नहीं करते, झूठे सपने नहीं दिखाते। आप इनको जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। इस्लामाबाद से आया हूँ, कॉलम निगार हूँ। मैं यहाँ एक वजाहत करना चाहूंगा, बार बार पंजाब का जिक्र आ रहा है और लाहौर का आ रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सरैकी एरिया जो है वो पंजाब में अपने आप को शामिल नहीं समझता और वो समझता है इस बात को कि पंजाब के अंदर उन्हें वो हकूक हासिल नहीं है जो होने चाहिए। एक और गुजारिश ये है कि पंजाब इस वक्त 62% आबादी का शहर है, 62% आबादी का सूबा बन गया है, लेकिन उसकी जो आप मेरी गुजारिश सुन ले, जट साहब का मैं जवाब दे दूं। एजाज जट साहब, मैं भी जट आगे हूं। जो दिल में आता है कह देता हूं।
मेरी मौत से मुल्क में इंकलाब आ जाता है मेरे मरने के बाद, तो ये मौत मेरे लिए बाइस फख्र होगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैं 20 साल से लंदन में हूं, एक दिन मेरा एक रात मेरी ऐसी नहीं गुजरी। टाइमिंग का भी फर्क है, 4 घंटे और 5 घंटे। जब मैं एक एक लगे साथियों से रास्ते में ना रहता हूं, 30 साल से ऑपरेशन फला फला शहादतें हर चीज बर्दाश्त करते करते, हर जुल्म सहते सहते आज तहरीक को यहां तक लाने में कामयाब हो गया। अगर आप सोचते हैं कि इस्तेमाली तौर पर आप फैसला कर लें, कल की फ्लाइट से आ जाता हूं, मुझे क्या तकलीफ है। जब सलमान तासीर नहीं रहे, बेनजीर भुट्टो नहीं रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता है ना मेरे इसके कि उनके क्या नजरियात थे, क्या उन्होंने किया, लेकिन हमले तो उनसे भी हुए, वजीर आजम से भी हुए। तो लियाकत अली खान आपके सामने है, जुल्फकार अली भुट्टो आपके सामने है, बेनजीर भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो, गुलाम हैदर वाहिद, जिया उल हक। मैं इस वक्त नजरियात पे नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूं कि ये नाम अगर आप समझते हैं तो मैं आ जाता हूं। मैं मुझे कल ही मरना है, कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। कोई जिंदा रहने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं। सबको मौत का मजा, हर नफ्स को मौत का मजा चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा। मेरी आरजू सिर्फ इतनी है और साथियों का इकरार जो है कि आप वहीं से रहनुमाई करते रहे, हम काम हिदायत के मुताबिक जहां न करें, आप हमें डांटे, हमारी बात पोस्ट करें, हमारी इसलाह करें। हम वादा करते हैं कि हम ईमानदारी, दयानतदारी और शनासी से काम करेंगे।